न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। उज्जैन पुलिस ने बच्चे से रेप के केस में गुरुवार तक 5 ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नई जानकारी में सामने आया है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। शुरुआती जांच में पुलिस और एक्सपर्ट ने बच्ची से बातचीत की थी, तभी अनुमान लगाया गया था कि वो प्रयागराज यूपी की रहने वाली हो सकती है। 25 सितंबर को लड़की बदहवास हालत में महंकाल थाना इलाके में दांडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सावराखेड़ी सीएस बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वो पूरे 8 किलोमीटर चलती गई। फुटेज में ही बच्ची 5 ऑटो ड्राइवरों के साथ दिखी। पुलिस ने सबसे पहले बच्ची की उम्र 12 साल बताई थी, हालांकि FIR कॉपी में उम्र 15 साल दर्ज है। SP सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जेतवारा थाने में दर्ज है। इस मामले में गुरुवार को CM शिवराज ने कहा, मैं मीडिया को बुलाकर अपडेट जानकारी दूंगा। जेतवारा पुलिस ने बताया कि बच्ची की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पिता अर्धविक्षिप्त थे। बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ गांव में रहती थी। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके लापता होने पर दादा ने 24 सितंबर को गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। सतना पुलिस की टीम भी उज्जैन के लिए रवाना हुई है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।